हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? और अभी ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं दोपहर के 12:30 बजे से। जी हाँ, क्योंकि सुबह से इसलिए नहीं स्टार्ट कर पाई, लेट उठे और उसके बाद जो है हम लोग जो है डिज़ाइन देखने के लिए लग गए थे सभी लोग, तो समझ में नहीं आ रहा था डिज़ाइन हमें क्या करवाना है फॉल सीलिंग में। तो अभी जाके जो है दो डिज़ाइनों को मिला करके हमने एक डिज़ाइन फाइनल किया है, सो बस अभी आगे बन रहा है वो, और जो भैया है उनके बना रहे हैं। हमारे घर पे जो बनाए थे हमारे नए घर पे वही वाले आए हैं यहाँ पे भी बनाने के लिए। तो पहले क्या है ना, उन्होंने बॉर्डर वगैरह का जो क्या एलुमिनियम की जो फ्रेम होती है ना वो लगा चुकी थी, लेकिन जब मैंने उनको डिज़ाइन बताया था उसके बाद जो है उन्होंने कहा चलो ठीक है ये हमारा बना देते हैं। तो अब उनको जो है थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे हमने ना सारे गेट वेट लगा के रखे हुए हैं क्योंकि धूल ज़्यादा आ रहा है। तो गाइज़ यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे मैं दोबारा से उनसे मेहनत करवा रही हूँ क्योंकि पहले जो डिज़ाइन बताया था वो कुछ ख़ास पसंद नहीं आ रहा था और उन लोग को हो रहा था थोड़ा लेट, क्योंकि वो अपने टाइमिंग के हिसाब से जो है सारा काम स्टार्ट कर देते हैं। तो बस उन्होंने फटाफट देख ही सकते हैं आप लोग, ये 3-4 लोग लगे हुए हैं, तो उन्होंने जो है पूरा नाप आप ले करके जो है मतलब सूत कहते हैं ना उसको निशान लगा दिए थे, और फिर जो है जो फ्रेम है एलुमिनियम की फ्रेम भी लगा दी थी। आप लोग ये गड्ढे गड्ढे से देख ही रहे होंगे, ये यहाँ पे फ्रेम लग चुकी थी, लेकिन फिर मुझे ना डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने दूसरा डिज़ाइन इनको बताया तो इन्होंने बोला कि चलो तुम अपना मन मत मारो, तुम्हारा वाला डिज़ाइन बना देते हैं। तो यहाँ पर जो है ना फिर दोबारा से इनसे मेहनत करवा रही हूँ और वो राज़ी भी हो गए इस चीज़ के लिए, तो ये मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने बिल्कुल भी आनाकानी नहीं कही कि अरे पहले ही बता देती, पहले क्यों नहीं बताया, सब कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। और बेचारे बहुत अच्छे से जो है उन्होंने फिर से दोबारा से मेहनत करी, सारी जो है जो फ्रेम लग चुकी थी वो सारी फ्रेम निकाली, फिर उसके बाद दोबारा से मतलब निशान लगा रहे हैं, फिर उधर से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा है, उठ गया गंदा बच्चा। आज मेरी हेयर स्टाइल कैसी लग रही है आप लोग मुझे बताना कमेंट करके। यहाँ पे हम लोग गेट इसलिए लगा कर रख रहे हैं क्योंकि ना इतनी तेज से आवाज आ रही है कि बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि ड्रिल मशीन वगैरह चल रही है ना छेद करने के लिए, तो बच्चे डर रहे हैं, हॉर्न डर रही है, हॉर्न डर रहा है, तो इसलिए हम लोग गेट लगा कर रख रहे हैं ताकि आवाज़ ज़्यादा नहीं आए। भाई मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हॉर्न क्या कर रही है। तो हॉर्न को मैंने नहला दिया है और अभी वो बिस्किट खाने में लगी हुई है और सिर्फ क्रीम खाती है, बाकी बिस्किट छोड़ देती है, तो यहाँ पे वही चल रहा है उसका। और हम लोग गेट इसलिए लगा कर रख रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि गेट बार बार क्यों लगा रहे हैं, वो इसलिए कि आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ आ रही है ना कि बच्चे डर रहे हैं, ड्रिल मशीन वगैरह चल रही है तो बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, उसे हॉर्न डर रहा है और हॉर्न डर रही है, तो इसलिए हम लोग गेट लगा कर रख रहे हैं ताकि आवाज़ ज़्यादा नहीं आए। और बस अभी तो फिलहाल हम लोग को जो है ना यहाँ पे ये होम थिएटर रखा हुआ है ना, तो ये हमें लगाना है अपने रूम में, क्योंकि अभी कुछ दिन जो है आगे काम चलेगा तो टीवी वगैरह सेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ होम थिएटर हम सेट कर देंगे, फिर थोड़ा सा एंजॉय कर लिया करेंगे। और ये हूँ मैं। और गाइज मेरी हेयर स्टाइल कैसी लग रही है मुझे बताना कमेंट करके। आज मेरे बहुत टाइम के बाद की सफाई तो नहीं आई है, वैसे मैं पहले करती थी ये वाली चोटी, मुझे अच्छी लगती थी, फ्रेंच चोटी बोलते हैं इसको आई थिंक, है ना, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। मैं ना ऐसे पफ बना के और पीछे साइड से भी करती थी फुल फ्रेंच, और ये हाफ वाली फ्रेंच की है मैंने, तो बहुत टाइम की बात की है, सफाई नहीं आई है, फिर धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करूँगी डेली करा करूँगी तो आ जाएगी। और बस अभी तो फिलहाल यही सब चल रहा है, पूछ लो बस चाय वाय पीते, चाय बना दे क्या, पूछना सब पियेंगी ना, ठीक ओके ओके, तीन लो। तो गाइस बस अभी इन लोग का काम ख़त्म होने वाला है, तो बस अभी ये लोग जाने वाले हैं, 5 बज चुके हैं शाम के, तो बस अभी चाय के लिए उन्होंने बोल दिया, पूछ लिया था हम लोगों ने खुद से चाय पियेंगे, तो उन्होंने बोल दिया हाँ चाय पी लो, वो पी लेंगे, तो फिर उन्होंने बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है, और तो बस अभी चाय बनने के लिए रख दिए तो वो बन रही है। यहाँ पर हुरैन अपनी देख रही राइम्स नन्ना मुन्ना रही हैं, हुरैन यहाँ पे इसकी राइम चल रही है।
तो गाइस यहाँ पे जो है ना बहुत ही ज़्यादा गंदा गंदा सा हो गया, क्योंकि पैर छप रहे थे ये पीओपी के, तो ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो यहाँ पर मैंने पूरा धो दिया है इसको और अभी सुखा भी दिया है। वाइपर वगैरह चला रही है मम्मी, तो अच्छे से सूख जाएगा ये। और यहाँ पर सोफे रखे हैं तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है हम लोग को यहाँ पे, क्योंकि फ़ैन भी ऑन हो जाता है और यहीं पे हम लोग बैठे रहते बातें बातें करते रहते हैं, तो एक अच्छा सा लग रहा है। मतलब यहाँ पे भी सोफ़ा होना चाहिए है ना। तो बस मम्मी जो है दूध लेने के लिए जा रही हैं, पहले गई हुई थी तो वो मिले नहीं थे अंकल, अब दूसरी बार जा रहे हैं तो उनकी बेटी बता रही थी कि अब लेने के लिए आ जाओ। वो कह रहा था लाइट वाइट सब कर दो और ये हटा दो सब, ये वो लाइट्स लगी हैं जो वो भी हटानी है आज ही आज में अपन को, और लाइट फिटिंग करनी है। अब वो कोई आ रहा है ना तो उनके लेने गए हैं। हाँ फोन आ गया था उनका शिकारपुर रोड पर। कैसे देखो बैली घूम रही है पूरे में कि क्या हो गया, कितना चेंज आ गया है इसके अंदर। वैसे पहले ऐसे ही घूमती रहती थी और अब ऐसे देख रही है गंदा गंदा सा। अरे यहाँ पर है तो ये पूरा धुल गया है और ये सुखा भी दिया है हमने बढ़िया से, तो ये सूख गया है। इतने ज़्यादा गंदा हो रहा था ना ये मिट्टी मिट्टी सफ़ेद सफ़ेद सा, तो बस अभी ये क्लीन कर दिया है। और बैली बस पूरे में घूम रही है अभी देख रही है, क्योंकि आज सुबह से उसको हमने बांध रखा था। तो गाइस आज मुझे दिख तो ऐसा रहा है कि पनीर जैसा है ये कुछ, लेकिन पनीर ही है ये है ना। तो आज खाने में बन रहा है मटर पनीर, भाभी बना रही हैं अपनी स्टाइल में। तो यहाँ पे बस खाने की तैयारी भी चल रही है, दूध भी लेकर के आ गई मम्मी तो वो भी आ चुका है। और हम चलते हैं हारून के पास, तो देखिए हारून क्या कर रहा है, लेटे लेटे आराम से खेल रहा है। अपी तो सो गई है उसकी। हाँ क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, बातें करने वाला कोई नहीं है, कोई बातें करने वाला नहीं है ना। हाँ कोई बातें करने वाला नहीं है अरुण के साथ। हाँ नहीं नहीं रो, कोई बातें करने वाला नहीं है, नहीं है कोई बात करने वाला। सो गाइस नेक्स्ट डे मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मार्केट में मुझे कुछ छोटे छोटे से काम हैं तो उसके लिए मैं जा रही हूँ, लेकिन बहुत सारे काम हैं, छोटे छोटे ही हैं लेकिन बहुत सारे काम हैं। सो बस चलते हैं अभी हस्बैंड के साथ में, और बस ये यहाँ से मार्केट हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो गए सबसे पहले तो मैं आई हूँ हुरैन के लिए चांदी के कंगन लेने के लिए, क्योंकि उसके जो पहले वाले कंगन थे ना वो छोटे हो गए हैं और जो गोल्ड वाले थे वो बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, तो इसलिए जो है मुझे अब चांदी के कंगन चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पर अभी मैं शॉप पर आई हुई हूँ, तो एक्चुअल में मुझसे गलती ये हो गई कि ना मैं उसका नाप ले कर के नहीं आई, तो जो कि मुझे लेकर आना चाहिए था। और एज के हिसाब से अगर बता दो ना इनको तो फिर ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा लेना चाहिए, और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा साइज लेना चाहिए। तो यहाँ से मैं देख रही हूँ, और फिर मुझे ना ब्रेसलेट वाला चाहिए था, क्योंकि ऐसे कंगन तो मैं उसको पहना चुकी हूँ, तो मैं सोच रही थी कोई ब्रेसलेट वाला मुझे मिले, तो इन भैया के पास वो नहीं था। तो मैं सोच तो रही हूँ ले ही लूँ, क्योंकि इस टाइप के कंगन आते हैं बच्चों के लिए, ब्रेसलेट ब्रेसलेट टाइप के ऐसे नहीं मिलते, वो तो बनवाने पड़ते हैं ऑर्डर पर। तो भैया बता रहे थे अगर ऑर्डर पे बनवाना हो तो बता देना, फिर मैं बना दूंगा। लेकिन मैंने सोचा चलो दूसरी दुकान पर भी ट्राई करते हैं, शायद वहाँ बने बनाए मिल जाए है ना। तो इसलिए यहाँ से तो मैं ऐसे ही निकल गई देख जा के, क्योंकि मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहे थे। मैंने इनसे भी पूछा कि ये वाला ठीक लग रहा है, तो इन्होंने भी वैसे ही बोल दिया कि हाँ ठीक ही है, लेकिन एकदम एक नज़र वाला जो पीस होता है ना वो चीज़ नहीं मिल रही थी, और जिस चीज़ का मन बना कर जाते वो चीज़ नहीं मिले ना तो फिर मन ख़राब सा हो जाता है। तो मैं इनसे बोल रही थी चलो हम अपनी दूसरी शॉप पर चलते हैं और वहाँ से देखते हैं शायद कुछ अच्छा और यूनिक सा मिले। तो आगे आप लोग बने रहिए, आप लोग को आगे पता चल ही जाएगा कि हमने हुरैन के लिए क्या लिया है। और अभी ये वाला भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद हम जो है दूसरी वाली शॉप पर आ गए, तो ये है शॉप दूसरी वाली जेपी ज्वेलर।
जो मुरैना से हैं उनको पता होगा कि ये शॉप कहाँ पर है। तो हम लोग वहाँ पे आए हैं, तो ये सिल्वर वाले शॉप पर आए हैं हम लोग। यहाँ पर एक साइड सिल्वर मिलता है, एक साइड गोल्ड मिलता है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने ना, तो यहाँ पे हम ना हुरैन के लिए सिल्वर बैंगल्स हम लोग कुछ नया सा दिखाई दिए। वैसे मैं उस टाइप की चूड़ी ही लेती, लेकिन यहाँ पर मुझे बैंगल अच्छे लग रहे थे, तो बस यहाँ से मैं हुरैन के लिए देख रही हूँ और फिर मैं उसके बाद अपने लिए भी कुछ देखूंगी। तो यहाँ पे मुझे ये वाले बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, तो इनमें से मैंने एक जो है लिया है। अब वो मैं आप लोगों को घर जाके बताऊंगी कि मैंने कौन सा बैंगल लिए हैं हुरैन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ अपने लिए रिंग, चांदी की रिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी है गाइस। और ना ये मतलब ऐसे चांदी जैसी लग नहीं रही थी, ना ऐसे नग वाली लग रही थी। नीचे नीचे का सिर्फ चांदी का था छल्ला, इसका ऊपर तो मतलब नग वाला था। तो और आप प्राइस सुनोगे ना इनकी, तो बहुत ही ज़्यादा महंगी थी, मतलब 2500 रुपये प्राइस था एक रिंग का। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो यार, इससे अच्छा तो गोल्ड की ही पहन लेंगे, क्या चांदी की रिंग पहनना। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकल आई थी, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग दूसरी वाले शॉप पर आ गए। तो यहाँ से कुछ रैपर्स वगैरह लेने थे हुरैन के लिए, कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी थी, तो यहाँ से वो ली। और फिर उसके बाद हम लोग घर के लिए निकले, और फिर सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, तो फिर अभी आ गए बीकानेर स्वीट्स पे। तो यहाँ से कुछ मिठाई लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है यहाँ से घर के लिए निकलेंगे। तो ये यहाँ पे पता नहीं ये वाली मिठाई लेंगे, तो यहाँ से कुछ कुछ मिठाइयाँ ली। और फिर उसके बाद हम लोग जो है घर के लिए निकल गए थे। वैसे भी अंधेरा ही हो गया है बहुत ज़्यादा, इतना सारा सामान हो गया था ना, तो स्कूटी पूरी गिर गई थी। अब बोलने लगे चलो ठीक है अब घर पे ही चलो, बाद में कभी आएंगे, तो ऐसा था। तो चलिए ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।